Hey guys, good morning, welcome back to another vlog. So guys, सभी का स्वागत है इस नए vlog में. तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि कल रबीउल अव्वल है और आज है जागनी रात. इस रात को हम जगेंगे और जुलूस करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ का विर्द करेंगे और जलसे में हम थोड़ी देर शिरकत करेंगे, नफले पढ़ेंगे. तो आज सब हम वही करने वाले हैं और कल है जो रबीउल अव्वल है तो उसकी तैयारी आज से स्टार्ट हो चुकी है. गली आज से मतलब पूरा जो फाइनेंशियल जो गली की फुल सजावट है वो हम आज ही और अभी ये कंप्लीट कर देंगे ना, क्योंकि कल तो फिर रबीउल अव्वल ही है तो आज ही हमें सारी गली की सजावट है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी. और अब जल्दी चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं कि अभी क्या सजावट चल रही है. जो हमें फाइनल फिनिशिंग देनी है अपनी गली को या मोहल्लों को वो हम इस दिन ही देते हैं ना. तो अभी चलते हैं गली मोहल्लों में और आपको बताते हैं क्या क्या चल रहा है वहाँ का माहौल. तो गाइस जाते जाते निकलते निकलते मम्मी ने एक काम हमको सौंप दिया है कि हमें चिकन लेके आना है. वो बोल रहे हैं कि बाहर तो जा ही रहे हो तो जाते जाते चिकन लेके आना. तो हम पहले जाएंगे चिकन लेके आएंगे, फिर आपको वहाँ से मतलब चिकन लेके जाते जाते आपको सारा सीन भी समझाते जाएंगे और बताते जाएंगे, है ना. तो अभी जल्दी से चलते हैं, पहले चिकन लेते हैं फिर आपको साथ साथ पूरा मोहल्ला और गली बताते भी चलते हैं ना, दोनों काम साथ में कर लेंगे. गाइस तैयारियां चल रही है, देखो पिछले 3 दिनों से तैयारियां चल रही है यहाँ पे. जाते जाते मोहल्ले में भी देखते जाते हैं कि मोहल्ले में कैसे तैयारी चल रही है. लाइट्स लग गई इधर, रात को पता चलेगा कि लाइट्स कैसी लग रही है. मोहल्ले में तो पूरी लाइट्स लग गई है बट रात को ही पता चलेगा लाइट्स कैसे लग रही है. पूरी रोड खुदी पड़ी है, ये देखो ट्रैफिक जाम लगाया है. पहनकर पास करके जाना पड़ेगा हमें. हम ट्रैफिक के कारण इधर से आए और हमें यहाँ पे भी ट्रैफिक मिल गया. क्या कर सकते हैं, अभी किस्मत ही खराब है. वहाँ से ट्रैफिक जाम हो रही थी तो अपन वापस दूसरे रास्ते से जा रहे हैं ना. वापस अपने घर की तरफ से दूसरे रास्ते से जाएंगे. ओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर, ठहरा है जो सरापा इश्को वफा का मज़हर. घर पे दे देना, ठीक है. तो गाइस हमने चिकन तो मोहम्मद नवाज के साथ में घर पे भिजवा दिया है और अभी अपन जा रहे हैं मोहल्ले की साइड. वहाँ का माहौल देखते हैं, अच्छे से देखेंगे वहाँ का माहौल. मतलब चलते चलते देखे थे ना हमने, अब पूरा गली वली दी जाके वहाँ पे चेक करेंगे कैसा माहौल चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है. तो अभी अपन मोहल्ले में चल रहे हैं आपको. ये देखो गाइस लाइटें, मतलब कनेक्शन हो रहा है बस अभी. ये देखो गाइस माहौल, देखो आज का माहौल पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके सजावट कर रहे हैं मोहल्ले की. देखा कितनी देर में हो जाएगी लाइट चलू सारी, है 2 मिनट में. सही है, 2 मिनट में सारी लाइट्स ऑन हो जाएगी गाइस. देखो मस्त लगेगा चौक, है ना. क्या लगेगा, कॉफी की मशीन लग रही है. अभी लड़कों ने मुद्दा उठाया कि कॉफी की मशीन यहाँ पे लगी. कॉफी की मशीन किसको पिलाएंगे कॉफी, ये जो आज का दिन में पढ़ेंगे उनको पिलाएंगे कॉफी. सुभान अल्लाह, ये देखो गाइस हैं. गाइस मोहल्ले में तो सारी लाइट्स ऑन हो चुकी है और अभी अपन जा रहे हैं गली के साइड, सीतला गली के साइड. वहाँ पे देखते हैं क्या माहौल है, अभी वहाँ पे लाइट्स ऑन हुई है या नहीं हुई. वहाँ पे तो ऑन होती हुई कि 2-3 दिन हो गए पर फिर भी देखते हैं क्या माहौल है. माशाल्लाह
ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी सजी है इस बार गली, हमेशा की तरह इस बार भी अच्छी सजी है। ये देखो एंट्रेंस, देखो गेट की हमारी गली का एंट्रेंस, सीटला गेट पे भी लाइटिंग हुई है। और ये रहे सारे बंदे जिन्होंने मेहनत की है, बस मेरी फोटो नहीं है इसमें, मैं मिसिंग हूँ क्योंकि मैंने अपनी फोटोज नहीं दी थी तो मैं मिसिंग हूँ, है ना। ये देखो अभी भी लाइट, अभी भी ना वर्क इन प्रोसेस है ना, लाइट्स लग रही है ताकि पूरा रोशन रोशन हो जाए यहाँ पे। गाइस अभी अब एंटर कर रहे हैं मोहल्ले में, और ये देखो ये देखो मस्त, ये हमें आरिफ भी मिल चुका है यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सजाया गाइस कमेंट करके बताओ जरूर। तो गाइस अभी प्लान चेंज हो गया है, बाकी की चीजें आपको बाद में बताएंगे, अभी हम जा रहे हैं डिनर करने। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमारी दावतें खत्म नहीं हुई है, टिकट नहीं आई, फिर भी दूध लेने का सिलसिला स्टार्ट है अभी। तो अभी उधर ही जा रहे हैं, अजरू भाईजान के घर पे जा रहे हैं अभी। अजरू भाईजान तो है नहीं, मिस कर रहे हैं अजरू भाईजान को, वो वहाँ पे यूरोप में मज़े ले रहे हैं, फुल ऑन मज़े ले रहे हैं ना, पेड़ों से अंगूर तोड़ के खा रहे हैं, सेब तोड़ के खा रहे हैं, अखरोट तोड़ के खा रहे हैं पेड़ों से, बताओ गाइस। तो वही है, अभी पहुँच गए अजरू भाईजान के घर पे, और गली भी देखो अजरू भाईजान की क्या सजी है माशाल्लाह, लाइटिंग थोड़ी सी कम है बट अच्छी सजी है। तो अजरू भाईजान को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये लो आप भी आ जाओ बस, अजरू भाईजान को कुछ कहने वाले चाहते हो? ये देखो ठीक है ओके। तो अभी घर में एंटर करते हैं, बताते हैं आपसे। अजरू भाईजान अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो ये देख लो आपके निद बहुत ज्यादा निद कर रखे हैं, आपके निद बहुत माथे उठा रखे हैं मोहल्ले को। ये लो देखो बस। तो गाइस अजरू भाईजान आ चुके हैं, ये देखो यूरोप के वासी, और खाना भी आ चुका है। खा लो, भूल तो नहीं गए गाइस, सबको याद है, सबको याद है आप। हाँ डिनर कर लो, डिनर कर लो। तो गाइस डिनर तो हो चुका है, और आपको वापस सब वापस जाते हैं और आपको दिखाते हैं सारा सीन। तुक में खुदा के पाबंद आते नजर है आका, आसान ही अचानक तर के आया लो घर, ओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर, ठहरा है जो सरापा इश्क़ वफ़ा का मज़हर। तुक में खुदा के पाबंद आते नजर गया
का प्यारा मंजर ठहरा। गाइस बहुत से लोगों ने ब्लैक पहन रखा है, ब्लैक फैशन ने भी ब्लैक पहना है। देखो वॉच भी आपने, इसने भी ब्लैक पहना है। फैशन अच्छी करी है मैंने। हां, ये कौन सी है? ठीक है, सेम कैसे हो गई ये? क्या नाम इसका? मेरे को नहीं पता यार क्या नाम है इसका। ये लोकल वॉच है। अरे ओए लोकल नहीं, ये देखो गाइस, ये देखो रोलेक्स का रोड़ा है, रोलेक्स का रोड़ा। ठीक है, ये सेम कैसे हो गई बता बस ये। हाँ, और ये देखो सारे ब्लॉगर इकट्ठे हो रखे इधर ही। गाइस ब्लॉगर देखो ऐसे में पकड़ के रखे हैं ब्लॉगर। यहाँ पे देखो दुरुस्ती पढ़ने के लिए तैयार हो गई है, मीटिंग लग गई है और यहाँ पे दुरुस्ती होगी सारी। यहाँ पे बैठ के दुरुस्ती करेंगे। यहाँ पे एक वाइट चादर आएगी, यहाँ पे एक वाइट चादर आएगी और यहाँ पे बैठ के फिर दुरुस्ती होगी, है ना। ये देखो तो गाइस मैं और आसिफ अभी जा रहे हैं सिकलगेट, वहाँ पे जो है थोड़ा सा छोटा सा फंक्शन हो रहा है उधर, सम्मानित करने का बेस्ट डेकोर करने पर सम्मानित किए जा रहे हैं, तो वही उसी में शिरकत करने के लिए हम जा रहे हैं अभी, मैं आसिफ दोनों हैं। बाकी वहाँ पे आधे लोग पहुँचे हुए हैं, आपको जाके बताते हैं वहाँ पे पूरा सीन है जो बताएंगे आपको। हेलो कितना क्यूट लग रहा है ना। गाइस हमें यहाँ पे आती देखो कौन मिल गया, देखो ये देखो सहज जी मिल गए जो कि नहाए हुए नहीं है, ना नाने का पता है ना किसी और का पता है इनका। बाकी देखिए ना और वही सलाम कर दो, सलाम दाऊद सलाम कर दो, कनीस महात्मा सलाम कर दो, सलाम 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 कौन मान दो, अस्सलाम वालेकुम दाऊद सलाम करो उधर कौन मान दो दाऊद सही कौन मान दे आ टोपी ले ले किसी ले लो क्लैपिंग करो क्लैपिंग जरा दिखा रहा था किसी ले लो किसी बाजी की दुकान दाऊद किसी ले लो किसी और नंबर है अपी के किसी ले लो दाऊद आ चुका है एकदम रेडी होके। दाऊद जोशी पीएगा दाऊद आसिफ भाई भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह क्या लग रहा है आसिफ। ओ देखो कितनी ओ देखो बाल के पास आती रो क्या हुआ दाऊद इसको नीचे घूमना है। नहीं चीची उतार दो नीचे उतार दो बेल्ट अभी नीचे उतार दो चलो मम्मी चलो छोड़ दो छोड़ो चलो दाऊद भाई दाऊद कम फास्ट नीचे आराम से बस। गाइस देखो ये भी आ चुके हैं और अभी तक दाऊद ओ माशाल्लाह सलाम कर दो दाऊद सलाम करो सलाम कर दाऊद। तो गाइस फाइनली हमने दाऊद को उसका जो चीज है वो दिला दी है, अब दाऊद खुश है ना, दाऊद खुश है ना, दाऊद अब फाइनली खुश है दाऊद। आसिफ चलो प्रोग्राम स्टार्ट है आना, तो वही अभी अंदर जा रहे अपन। चलो तो गाइस ये है सर्टिफिकेट
जो कि हम बांटने वाले हैं जो अच्छे डेकोर किए इन लोगों ने उनको। अख्तर भाई और असल भाई दोनों आ रहे हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ले अल्ताफ जारिया, आशीष खान मोकानी इसके बाद में तैयार रहे। आशीष खान मोकानी बच्चा हो लो लोग। समीर खान चूड़ीगर एक भी जिंदा था क्या जिंदा का आशीष राइट एंगल तू कर रहे मैंने। अल्फाज खान हरी रजा ओए मारी आवना जी मामनो आज जेल अरमानदार असलम कल्लानी मोहम्मद नवाज टोडानी नासिर खानदानी मोहम्मद अफरीदी नासिर मोहम्मद फिरोज। तो गाइस सबको सर्टिफिकेट तो मिल गया है, अभी फोटो सेशन चल रहा है पीछे, है ना पीछे फोटो सेशन चल रहा है अभी। और बस हाँ इधर देखो सारे हाथ हाथ अपने मुंह क्या कैसे हटा लो इसको। हाँ ऐसे माशाल्लाह ये सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है इस गली को सजाने में। तो दोस्तों यही हैं वो लोग जिन्होंने इस गली को सजाने में अपनी मेहनत दिखाई है, इनकी वजह से ये पूरी गली सज पाई है। और इनका जो है सर्टिफिकेट देके हमारे जो एरिया के पार्षद हैं उन्होंने सबको सम्मानित किया है। सो देख सकते हैं आप बच्चे भी बहुत शामिल है इसमें और बड़े को तो कहना ही क्या है। अभी की एक सुन्नत को भी आगे बढ़ा रहे हैं ये लोग, पढ़ लिख के अपने कौम अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि बच्चे पढ़ लिख के खूब अपने माँ बाप अपनी कौम का नाम रोशन करें और नबी की सुन्नतों को आगे बढ़ाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गाइज़ नासिर भाईजान जो सारे लोग हैं वो तो मोहल्ले के साइड चले गए और मैं अकेले ही रह गए यहाँ पे। और मैं भी अभी इलेक्ट्रिक लेके जा रहा हूँ मोहल्ले के साइड, है ना इलेक्ट्रिक स्टार्ट कर लिया अपन ने। तो बच्चे देखो व्लॉग के आने में चक्कर में क्या क्या करते हैं ना गाइज़। यहाँ पे 15 पार्टी हो रही है तो ये देखो। दादी वाली चक्की है यहाँ तो भी मैं। नहीं आपका जज़ाकअल्लाह। जश्न ईद मिलादुल नबी सरकार की आमद जलवन जल वन अन्य
आत्मा निर्मल मधु देह कोई कंचन चंद्रमुख रत्न नारायण माणिक नयन पद पंकज जज चंद्रमुख रत्न नारायण माणिक नयन पद पंकज जज रूपम स्वर्ग संग मक्का नगर अति पावनम उन्नबिंदु शशि शोभितम अरु आदि ज्योति जन्म स्थलम जन्म तिथि द्वादश अव्वल शुभ मंगलम जन्म तिथि द्वादश रवि अव्वल अव्वल शुभ मंगलम प्रतिभाद बुध लोकिनो प्रतिमा अति सुंदरम प्रतिभाद बुध लोकिनो प्रतिमा अति सुंदरम नीति स्वर्ग वर्ज 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 धर्म रक्षक न्याय सत्यम चक्रवर्ती कर्म योगी युग पुरुष अभिनंदनम चक्रवर्ती कर्म योगी युग पुरुष अभिनंदनम सत्यम चक्रवर्ती कर्म योगी युग पुरुष अभिनंदनम चतुर्भुज सिद्दीक फारूक कोगनी और हैदर और फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुतुबकम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुतुबकम स्वर मनोहर शीतलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहिनी प्रिय दर्शनम दानी परम परेशानी साहबा को जाती जानवर भी जाया करते कभी हिरनी आती है फरियाद लेके कभी ऊंट आता है फरियाद लेके कभी कोई जानवर आता है फरियाद लेके यहाँ तक के मेरे आके नौजवान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे थे एक शहद की मक्खी आई साथ में भिन भिन आई और भिन भिना के चली गई साहब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए साहबाए किराम ने अर्ज किया सय्यदी या रसूलल्लाह क्या मामला है तू जाता तो 70,000 फरिश्तों को पढ़ा दिया करता झूला यूं गया झूला देते ना भाई जब झूला धक्का देगा तो आगे जाएगा जैसे उसको धक्का देते वो जो फरिश्तों पढ़ाता पढ़ाता झूलों में पढ़ाता पढ़ाता जैसे झूला आगे तक जाता इस दरमियान में 70,000 फरिश्तों को तालीम दे दिया करता जैसे झूला यूं आता तो 70,000 फरिश्तों को यूं तालीम दिया करता था यूं जैसे जैसे झूला झूलता करता था 70,000 फरिश्तों को वो तालीम दिया करता था मगर इतना बड़ा मर्तबा होने के बावजूद एक नबी की गुस्ताखी की कयामत तक के लिए अल्लाह ताला ने उसको कुफर का फतवा दिया मर्दूद लाइन शैतान और कयामत तक लोग तुझ पर लान और टाल करते रहे एक नबी की तासीम ना कि इसलिए कि नबी पैदा हुए भाई आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म अनवर बना अल्लाह ने रूह फूंकी और खड़े हुए आदम अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों का सजदा करो मतलब क्या नबी पैदा हो रूह फूंकी के नबी पैदा हुए पैदाइश की खुशी में अल्लाह ताला ने फरिश्तों से सजदा करवाया शैतान ने मना कर दिया नहीं भाई नबी की जब पैदाइश की खुशी में सबसे बड़ा दर्द किसको हुआ इबलीस को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक अब से लेकर कयामत तक जितने मोमिन व मोमिनात मुसलमान व मुस्लिमात इंतकाल किए या करेंगे तमाम के रवाब के सामने से तक मेरे कुबूल फरमा मालिक मौला मिलाद मुस्तफा का मैं सदका अता फरमा इस मजलिस में जो तशरीफ ले हाजिर है मालिक मौला तमाम के नेक जायज दुआएं कुबूल फरमा ऐ अल्लाह अजल जो बीमार को शिफा अता फरमा जो तंगदस्त की तंगदस्ती को दूर अता फरमा जो बारे कर्ज में मुब्तला से कर्ज से सुलूक दोषी अता फरमा ऐ अल्लाह अजल जो घरेलू बच्चा बीमारियों से परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा जो कैद में मुब्तला कैसे सुबह दोषी अता फरमा अल्लाह अजल जो रोजी से परेशान हाल है विलाद मुस्तफा आमद मुस्तफा का सदका घर में बरकत अता फरमा हमाम तमाम मुसलमानों के घर के अंदर माशाल्लाह शीनी देखिए गाइस तो गाइस फाइनली जलसा हो चुका है और अभी यहाँ पे देखो
पूरा सेटअप है जो आपस समटा जा रहा है। अभी नासिर भाई बैठे हैं, आसिफ बैठे हैं। तो गाइस माशाल्लाह फजर की अजान हो चुकी है और हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा घूम के राउंड लेके मस्जिद जाएंगे, पहले वहाँ पे फजर की नमाज अदा करेंगे, उसके बाद हम जुलूस की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा राउंड लेके वहाँ से थोड़ा मस्जिद की तरफ निकल जाएंगे और फजर की नमाज हम मस्जिद में अदा करेंगे। ठीक है, हमने जो फजर की नमाज है वो अदा कर ली है और धीरे धीरे उजाला हो रहा है। ओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर, ठहरा है जो सरापा पेश को वफा का मजहर, आते नजर है आका हुक्मे खुदा के पाबंद, आते नजर है आका। आसान नहीं अचानक तर के आयालू घर। तो गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं घर पे थोड़ा फ्रेश होने, और इसी के साथ आज का जो व्लॉग है वो हम यहीं एंड करते हैं। बाकी का व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा और करते हैं आज का व्लॉग यहीं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।